हेलो रिमान दी रविचंद्र यू पी सी सी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ है इसे आई सी जुडिसरी आई का लास्ट वीडियो मेरे तरफ से आप सबके लिए पर जो जूनियर्स बाद में इसको देख रहे हैं उन सबके लिए एक मेरी तरफ से सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करिएगा मैं जरूर आई को आगे भी पढ़ाऊंगा पेटेंट की और भी चीज़ें की बात कर लेंगे जो भी और ट्रेड सेक्रेट लॉ के बारे में बात करेंगे पर आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से कल आप लोगों का पेपर आप लोग अच्छे से दीजिएगा और लाइसेंसि को पेटेंट से एक सवाल जरूर आएगा कल क्योंकि इसमें बेयर कॉर्पोरेशन का जो केस है भर नाटको फार्मा लिमिटेड का उसके बारे में बात करूंगा इसी में 100 परसेंट बीस नंबर का एक सवाल कल आएगा तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा ठीक है लाइसेंसिंग को पेटेंट की बात करेंगे दिस इज समर्थ है इसे जुडिशियर ट्रांसफॉर्मेशन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप मुझे जानते हो या नहीं भी जानते हो और आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं प्रेस कराए यहाँ आप बिल्कुल मेरे साथ गलत काम कर रहे हो आई रिक्वेस्ट यू ऑल जितने भी लोग देख रहे हो एक बार सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो अगर अभी तक नहीं करा तो नीचे देखो आपके वीडियो में दिख रहा होगा करिए आप लोग प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करें दिलीडेंट कंट्रोल सारे सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए मैंने चार बोल तीन बोला था मैंने सात सब्जेक्ट पढ़ाए आप सबको सिर्फ सात तीन बोला था मैंने सात पढ़ाए तो दैट्स तो नॉट फेयर अगर आप लोग नहीं करते हो सब्सक्राइब तो ठीक है चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है लाइसेंस क्या नाम है लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है देखिए साथ साथ पढ़िएगा ना याद रहेगा कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है वॉलेंटरी लाइसेंसिंग और कंपलसरी लाइसेंसिंग पे कंपलसरी लाइसेंसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉलेंटरी आप कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आप आराम से दे दीजिए किसी को अगर आपको लगता है आप अपने इन्वेंशन का क्रेडिट देना चाहते हैं तो दीजिए कोई दिक्कत नहीं कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है कहता है एट एनी टाइम सेक्शन एटी फोर कहता है एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट एनी पर्सन इंटरेस्टेड मे मेक एन एप्लीकेशन टू कंट्रोलर फॉर ग्रांट ऑफ कंपलसरी कर सकता है एक तरीके का एप्लीकेशन दे सकता है कंट्रोलर को कि मुझे कंपल्सरी लाइसेंसिंग आप प्रोवाइड करिए एक पेटेंट पे जो पेटेंट के तीन साल हो चुके हैं आपने जिस दिन पेटेंट को जिस इन्वेंशन को पेटेंट माना था ना उस पेटेंट को तीन साल हो चुके हैं अब तो अब तीन साल के बाद ही आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल और कंट्रोलर इन सारे ग्राउंड्स के मद्देनजर जो जो पेमेंट जो आप करोगे न, करोगे ना क्या क्या नाम एप्लीकेशन फाइल आपको कर सकता है ग्रांट कर सकता है एक तरीके का कंपलसरी लाइसेंस कौन कौन से ग्राउंड्स लेकर आप जा सकते हो कंट्रोलर के पास तीन ग्राउंड पहला कहता है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेटली कल लिखोगे यही बेहर कॉर्पोरेशन में यही बात यूज हुई थी पहला ग्राउंड कहता है दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक थ रिस्पेक्ट टू देटेंटेड इन्वेंशन हैव नॉट बिन सेटिस्फाइड कहता है कि जो जनरल पब्लिक है जो पब्लिक है एट लार्ज उनको जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट है उस इन्वेंशन से जो, जो उनकी रिक्वायरमेंट जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पाई उस पेटेंट की वजह से एक एक ग्राउंड हो सकता है दूसरा देट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस आपका जो इन्वेंशन है ना जिसने पे पेटेंट दे रखा है एक तो उसकी इंपॉर्टेंस पूरी नहीं हुई उसकी रीजनेबल रिक्वायरमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई है लोगों को और वो रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे भी अवेलेबल नहीं है दूसरा ग्राउंड तीसरा कहता है दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया है मतलब हर जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं है लेट्स एक कॉर्नर में रह गया है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में नहीं आ पा रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं कर पाने कर पा रहे हैं दूसरे एरियाज में मान लीजिए इंडिया का इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है केरला में कोई प्लांट सेटअप होगा मान लीजिए कोई मैनुफैक्चरिंग यूनिट है अब कोई चीज़ को जम्मू कश्मीर में चाहिए झारखंड you know, में चाहिए वेस्ट बंगाल में चाहिए नहीं पहुंच पा रहा है तो कहेंगे ना कि इंडिया में अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया दीज आर द थ्री ग्राउंड जिसके बेसिस पर एक कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो आगे कहता है एटी फोर टू एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन में बी मेड बाई एनी पर्सन नॉट विध स्टैंडिंग दैट ही इज ऑलरेडी द होल्डर ऑफ लाइसेंस जो ऑफ होल्डर हो तब भी आप कर सकते हो ऐसा कोई नहीं है अंडर द पेटेंट एंड नो पर्सन सेल बी स्टॉप्ड फ्रॉम एलिजिंग

ये जरूरी नहीं है कि इन सब ही ग्राउंड पे जाके कहोगे एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कहता है कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने थर्ड वाले ग्राउंड पे करा है आ, फ, ए बी और आ, फर्स्ट एंड सेकंड तो फॉलोड है ना थर्ड वाला ग्राउंड अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो आप क्यों आए नहीं आप तीनों में से किसी भी एक ग्राउंड को लेकर आप जा सकते हो एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपको तमाम बार कहा है क्यूमुलेटिव या फिर अल्टरनेटिव ये बार बार मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है ठीक है अब उसके अलावा एक प्रोसीजर होगा आपको हर प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा सामने वाले को मौका दिया जाएगा कंट्रोलर जो है वो मौका देगा पेटेंटी को उसके बाद उनसे कारण पूछा जाएगा वेद द कंट्रोलर डायरेक्ट द पेटेंटी टू ग्रांट अलाइसेंस ही में एज इंसिडेंटल देर टू एक्सरसाइज द पावर सेट आउट इन सेक्शन एटी एट सेक्शन एटी एट के अंदर जो पावर्स दिया वो सब चीजों को देखेंगे अभी क्या क्या है अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कंट्रोलर किन किन सारी चीजों को दिमाग में रखेगा किन किन सारी चीजों को पहला द नेचर ऑफ द इन्वेंशन किस तरह का नेचर है द टाइम विच है सेलिंग ऑफ द पेटेंट एंडरेडी बाई दाइसेंसी टू मेक फुल यूज ऑफ द इन्वेंस अब देखना यह भी तो जरूरी है ना कि हो सकता है मैंने टाइम दिया उसको तीन साल हो गए हैं पर शायद वो उस लेवल पर इम्पलीमेंट नहीं कर पा रहा है कुछ और समय देने के बाद शायद हो जाए या नेचर ऑफ द इन्वेंशन ऐसा है कि इसको थोड़ा सा समय ही लगता है सारी बातें देखेगा ना एज ए कंट्रोलर की नहीं हो सकता है चार साल में हो जाएगा तीन साल हो चुका है एक साल और मौका दे दीजिए तो शायद में भी सब जगह अवेलेबल हो जाए रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे भी हो जाए उसके अलावा द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू वर्क द इन्वेंशन टू द पब्लिक एडवांटेज अब जो एप्लीकेंट है वो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उस चीज़ का पब्लिक एडवांटेज के लिए यूज करेगा हो सकता है पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर ले ये बातें भी तो देखनी जरूरी है थर्ड कहता है द कैपेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेट टू अंडरटेक द रिस्क इन प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड वर्किंग द इन्वेंस इफ्लिकेशन वॉर ग्रांटेड क्या उसके पास इतना पैसा है इतना कैपिटल है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है क्योंकि एप्लीकेंट की कैपेसिटी भी तो देखा जाएगा ना वहां पर हो सकता है वो खुद ही उस लायक नहीं है और बेबजा का बस इमेज खराब करने के लिए डैमेज करने के लिए जा रहा है कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर रहा है आगे एज टू गेदर द एप्लीकेंट हैज मेड एफर्ट्स टू ऑपटेन अस फ्रॉम द पेटेंटी ऑन रिजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन एंड सच एफर्ट्स हैव नॉट बी सक्सेसफुल विद इन रीजनेबल पीरियड एज द कंट्रोलर में डीम फिट कहता है कि शायद ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है ना कि हो सकता है एप्प्केंट ने कोई फट ही नहीं डाला हो पेटेंटी से बात करने का लाइसेंस दे दीजिए मुझे आप मुझे वॉलेंटरली लाइसेंस दीजिए मैं आपको पेमेंट करूंगा या फिर हो सकता है उसने ऑप्टेन करने का कोई ट्राई नहीं किया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बन पाए हो मतलब ये सारी बातों को देखेगा ना दोनों तरफ की बातों को समझेगा उसके बाद ही तो कंट्रोलर इशू करेगा

रीजनेबल पीरियड का क्या मतलब होगा रीजनेबल पीरियड सेल बी एज अ पीरियड नॉट ऑर्डिनली एक्सीडिंग पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स मतलब छह महीने की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो क्लास फोर है ना कि क्या एप्लीकेंट ने कोई एफर्ट्स डाला है लाइसेंस ले लेंगे पेटेंट्री से कुछ रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन पे हो सकता है इसने ही कुछ ऐसा उल्टे बातें कह दी कि पेटेंटी देना नहीं चाहता इन्वेंशन अपना जो पेटेंट है इसका यूज करने के लिए एंड सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन सक्सेसफुल या फिर उसको मिला हो पर छह महीने के अंदर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही बड़े तरीके से अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा ये सारे मुद्दों को देखा जाएगा उसके बाद ही

तो कौन कौन से जनरल रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो आपकी पब्लिक की वो पूरी नहीं हो पा रही रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स जैसे एन एग्जिस्टिंग ट्रेड और इंडस्ट्री और द डेवलपमेंट डेयर ऑफ और द दस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी न्यू ट्रेड और इंडस्ट्री इन इंडिया और द ट्रेड और इंडस्ट्री ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज प्रिज्यूडिस्ट हो सकता है कि आपके लाइसेंस ना देने से आपके पेटेंट को ग्रांट ना करने से जो कंपलसरी लाइसेंस है या फिर आपने दे रखा है फिर मना कर दे रहे हो इससे हो क्या रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जिसका इंपॉर्टेंस पब्लिकली बहुत मैटर करता है एट लार्ज कोई इंडिविजुअल के ऊपर वो क्लास है उसका जो इंपैक्ट होगा बहुत बड़ा हो सकता है कोई ट्रेड हो कर रहा हो कोई इंडस्ट्री है कोई डेवलपमेंटियल यूनिट ऐसा है और वो आपके ना बोलने से उसका इंपैक्ट होगा उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा उस ट्रेड के लिए उस इंडस्ट्री के लिए तो फिर ग्रांट किया जा सकता है मतलब ये वो बातें हैं जो जनरल रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें कि पब्लिक की किन किन केसेस में हम बोलेंगे कि पूरी नहीं हुई तो पहला कैसे है कि अगर आपके ना कहने से किसी ट्रेड को पूरा ट्रेड को नुकसान हो रहा है इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा तो उसे है तो उससे जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट पब्लिक की वो पूरी नहीं होगी ये मुद्दा हुआ एक और कहता है द डिमांड फॉर द पेटेंटेड आर्टिकल हैज नॉट बी मेड टू एन एडिक्वेट एक्सटेंट और रीजनेबल टर्म्स हो सकता है डिमांड उतने लेवल पर जो लोगों का है वो पूरा नहीं हो पा रहा है आपके अकेले के इन्वेंशन से आप अकेले अपने आप को उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो उसको मार्केट में सेल भी कर रहे हो पर वो चीजें पूरी नहीं कर पा रही जो जरूरतें हैं जो डिमांड है तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग देकर, देकर दो चार कंपनियों को और दे दिया जाएगा ताकि ज्यादा ज्यादा मैनुफैक्चरिंग हो और उस चीजों का बेनिफिट लार्जर इंटरेस्ट तक पहुंचे लार्जर पब्लिक तक पहुंचे अरे बात को समझ रहे मेरी बात कह रहा है अ मार्केट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द पेटेंटेड आर्टिकल मैन्युफेक्चर्ड इन इंडिया इज नॉट बिंग सप्लाइड और डेवलप्ड कोई ऐसा मार्केट जो एक्सपोर्टिंग कर रहा है वो डेवलप नहीं कर पा रहा आपके ना बोलने से आगे स्टेबलिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ अ कमर्शियल एक्टिविटी कोई कमर्शियल एक्टिविटी अच्छे तरीके से नहीं फुलफिल हो पा रही है आपके ना कहने से आपके मतलब जो पेटेंटी है उसके ना कहने से जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना वो हो रही हैं और इसके क्या कह सकते हैं कि रिजनेबल रिक्वायरमेंट जो पब्लिक की वो पूरी नहीं हो रही ये बातें इसमें आगे इफ बाई रीजन ऑफ कंडीशन इम्पोज द पेटेंटी अपॉन द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर द पेटेंट और अपॉन द परचेज हायर और यूज ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पा रही मैन्यक्चरिंग नहीं हो पा रहा सेल ऑफ मेटीरियल अच्छे से नहीं हो पा रहा एट द सेम टाइम ऑफ इंडिया में फुलेस्ट स्केल पे काम नहीं कर पा रहा ओवरऑल रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक कहने का मतलब कि पब्लिक की जो डिमांड है जो रिक्वायरमेंट्स आपके ना बोल देने से या फिर आपके अकेले से लाइसेंस मिलने से आप अकेले बस उसको आपका ठीक है आपको आपका पेटेंट मिल गया आपके आविष्कार का आप उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो बट यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द सेम थिंग एट दैट मैच ऑफ लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स है पब्लिक की वो पूरी हो पाए तो अलग प्लांट्स वाले क्या कहेंगे और कंपनियां क्या कहेंगे कि सर हमें कंपलसरी लाइसेंस दे दिया जाए ताकि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके सेल को बढ़ा सकें हायर एंड परचेज को बढ़ा सके एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके, सके, सके ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके ये बात इसमें कही गई है सेक्शन एटी फाइव कहता है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट बाई द कंट्रोलर फॉर नॉट वर्किंग फॉर नॉन वर्किंग जैसे वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट अ अंपल्सरी लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड दिया जा चुका है लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन इंटरेस्टेड में आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टू इन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ग्रांटिंग द फर्स्ट कंपलसरी लाइसेंस आपको पहली बार कंपलसरी लाइसेंस दे दिया गया उसके दो साल बाद चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भीस्टेड अपलाई करता है कंट्रोलर के लिए फॉर एन ऑर्डर रिवोकिंग द पेटेंट ऑन द ग्राउंड दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन हैज नॉट बिन वर्क इन द टेर ऑफ इंडिया और दट इज ने रिकॉर्ड विद रेस्पेक्ट टू देंटेंटेड इन्वेंसन बीन सेटिस या फिर अवेलेबल नहीं है यह तीनों मुद्दों पर जैसे एक तो वो हो गया कि पहली बार आप जाके कंप्लेन कर रहे हो देखो मेरी बात समझो 84 कहता है कि आपको इन्वेंशन मिल गया आपको इन्वेंशन के आपको पेटेंट मिल गया और आप मैन्युफैक्चरिंग मैनुफेक्चरिंग अपने अपने आप कर रहे हो अपने लेवल पे कर रहे हो पर मैन्युफैक्चरिंग उस 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 प्लांट लेवल की नहीं है तो पहली बार कोई कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए जा रहा है तीन साल बाद पर यहां क्या हुआ किसी को कंपलसरी लाइसेंसिंग मिल चुकी है पर उस लेवल का अभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है या फिर इंडिया में अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो उस कंपलसरी लाइसेंसिंग पहली कंपलसरी लाइसेंसिंग के दो साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी बंदा कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जाकर कंप्लेन कर सकता है कि उस revoke, उसको उस उसको रिवोकेशन करिए कंपलसरी लाइसेंस को क्योंकि अस्टिल इट इज नॉट वर्किंग अस्टिल द रिक्वायरमेंट आर द सेम अभी भी पूरी नहीं हो पा रही फिर आगे वही सारी वही सारी बातें लिखी हुई हैं एवरी एप्लीकेशन अंडर डिसाइडेड विद इन ईयर एक साल के अंदर उस चीज को डील कर लिया जाएगा

कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो पर कंट्रोलर को लग रहा है कि नहीं इसको तीन साल से ज्यादा समय लगेगा खुद के ही लेवल पर अच्छे तरीके से इन्वेंशन को ग्राउंड पे आने में तो उसको एक आध साल और मौका दीजिए कि नहीं अभी हम आपकी कंपलसरी लाइसेंस नहीं ग्रांट करेंगे अभी रुक जाइए कुछ एक समय और होने दीजिए क्योंकि स्टिल इन्वेंशन uh, जो है वो अपने आप को अपडेट कर रहा है अपने आप को अच्छे मटेरियल लाने अच्छे आप अपने आप को ना स्टेब्लिश करने के ट्राई में ताकि एक साल के अंदर वो फिर खुद ही इस लेवल पर मैनुफैक्चरिंग कर लेगा कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हो जाएंगे पूरी हो जाएंगी तो ये बातें इसमें लिखी हुई कि कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पेटेंटी ऑफिस सपोर्ट करते हैं कि सर तीन साल में एक इन्वेंशन उस, लेवल पर इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता तो थोड़ा सा मौका दीजिए या फिर इस वजह से नहीं हो पा रहा कि कोई सेंट्रल एक्ट है कोई स्टेट एक्ट है कोई ऐसा कस्टम एक्ट है कुछ ऐसा एक्ट है जो एप्लीकेबल है अभी इंडिया में उसके वजह से हम उस लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो मुद्दा मतलब पेटेंटी को सपोर्ट करने वाले वो पॉइंट्स देखने कंट्रोलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं सेक्शन एटी के अंदर जिसके बेसिस पे आपकी कंपल्सरी लाइसेंस की जो एप्लीकेशन उसको एडजन किया जा सकता है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है लेकिन रीजनेबल स्टेप्स होना चाहिए तरीके होने चाहिए आपके पास एटी एट कहता है इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ कंट्रोलर इन ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंसिस आपके पास पावर क्या है कंट्रोलर के रूप में जब आप लाइसेंस देते हो कहता है

ये सेक्शन को चाहे कुछ भी हो जाए मेरे इन्वेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा या फिर आप उस लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो फिर एक पावर होता है ना कंट्रोलर के पास कि वो सारी चीजों को रीजनेबल तरीके से समझेगा देखेगा कि नहीं यार इस चीज की एपेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है मार्केट में तो फिर क्या करेगा वो अब 88 के अंदर कंट्रोलर के पास पावर है कि वो ग्रांट करेगा लाइसेंस आगे अगर कोई एप्लीकेशन 84 के अंदर किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा जो होल्डर ऑफ अ लाइसेंस अंडर द पेटेंट द कंट्रोलर में

Those other patents are held by the same patentee, and an applicant for a compulsory license established that the reasonable requirements so of the public have not been satisfied with respect to some only of the said pattern, patents. Then, if the controller is satisfied that the applicant cannot efficiently or satisfactorily work the license granted to him under those patents without infringing the other patents held by the patentee, and if those patents involve important technical advancement of considerable economic significance. डायरेक्ट द ग्रांट ऑफ अंस रिस्पेक्ट ऑफ द्स ऑल्सो टू इनेबल पेटेंस इन रिगार्ड टू विच ए ग्रांटेड अंडर सेक्शन एटी फोर इतने बड़े, बड़े सेक्शन है यार बताओ सिंपल चीज में लिखा हुआ है आपको मान लीजिए दो तीन इन्वेंशन के लिए एक साथ पेटेंट मिला हुआ है ठीक है कि एक ही इन्वेंशन के अंदर बहुत सारी चीजें उसके लिए पेटेंट अलग अलग मिला हुआ है अलग अलग समय पर मिला कुछ ज़... अब आपको कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया गया था उसमें से दो तीन पेटेंट के इन्वे... दो तीन इन्वेंशन के लिए जो अटैच इन्वेंशन है उसके अलावा भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और और पांच, आपने एक के पांच, करी। आपको पांच अलग अलग टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए क्या पेटेंट दिया गया तीन का कंपलसरी लाइसेंस मिल चुका है पर अस्टिल चीजें पूरी नहीं हो पा रही तो आपको दो और जो बच्चे हुए न, उसके लिए भी पेटेंट ग्रांट किया जा सकता है कंपलसरली अलग इसमें कही गई बात कि तीन के लिए तो ऑलरेडी आपके पास है दो की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को देखते हुए ऑलरेडी ग्रांट किया और और भी जो है वो एक्स्ट्रा ग्रांट किया जा सकता है यही सब बातें आगे लिखी हुई है प्रोवाइडेड नो सच एप्लीकेशन सेल इंटरटेड टाइम 92 देखिए इंपॉर्टेंट है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपलसरी लाइसेंस ऑन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो कंपलसरी लाइसेंसेस कुछ स्पेशल प्रोविजन है इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेटेंट इन फोर्स इन सरकम ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन सरकम ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी लाइक कोविड वगैरह की हम बात करें और इन केस ऑफ पब्लिक नॉन कॉमर्शियल यूज दैट इट इज दैट कंपलसरी लाइसेंस शुड ब्रांटेड एट एनी टाइम आफ्टर द सेलिंग वर्क द इन्वेंशन इट मे मेक अ डिक्लेर टू दैट इफेट बाई नोटिफिकेशन इन दफिियलजेट एंड देर अपन फोइ प्रोविजन एल एव दैट इज टू से कंट्रोलर सेल ऑन एप्लीकेशन मेड एट एनी टाइम आफ्टर द नोटिफिकेशन बाई एनी पर्सन इंटरेस्टेड ग्रांट टू द एप्लीकेट अट अंडर द पेटेंट ऑन सर्च टर्म्स एंड कंडीशन एजी थिंग्स पिट मान लो कोई ऐसा इन्वेंशन इस पर पे पेटेंट हो चुका है पर एक्सट्रीम इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है गैजेट के इशू के गैजेट का इशू मतलब गैजेट इशू करेगी और लिख देगी कि इस पर पे पेटेंट किसी और को भी मतलब इस पर कंपलसरी लाइसेंस किसी को भी मिल सकता है इसके लिए जरूरी नहीं कि तीन साल कहीं वेट करें या कुछ भी है राइट टाइम के हिसाब से अभी भी कोई बंदा जाकर क्या कर सकता है कंपलसरी लाइसेंस ले सकता है पर वही वारी बातें कि आप उस लायक हो कि नहीं आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं वो सारी बातें देखा जाएगा पर उसके तीन साल के दरमियान में ही कोई जाकर कोई भी पर्सन कंपल्सरी लाइसेंस के लिए ग्रांट मतलब क्या कर सकता है मांग सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया उसको नोटिफाई कर दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सेटिंग सेटलिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन द कंट्रोलर सेल इंडिया टू सिक्योर द आर्टिकल्स मैनुफेक्चर्ड अंडर द पेटेंट सेल बी अवेलेबल टू द पब्लिक एट द लोएस्ट प्राइसेज कंसेशन विद द पेटेंट ही डिराइविंग अ रीजनेबल एडवांटेज फ्रॉम द पेटेंट ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है आप देखिए तभी कर सकते जब हो जब नेशनल इमरजेंसी हो एक्सट्रीम इमरजेंसी हो पब्लिक नॉन कॉमर्शियल यूज हो मान लीजिए हो गया हेल्थ क्राइसिसम्यूनोडि uh, है, 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 कुछ, कुछ ऐसा इमरजेंसी का सिचुएशन like था अब किसी ने दवा बनाई कोविशील्ड अब पेटेंट मांगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट तो छोड़ो तुम्हें अभी पेटेंट तो मिलेगा नहीं वो तो हटाओ इसको जनरलाइज यूज के लिए कोई भी कंपनी कभी भी बना सकती है अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है तो वो इशू कर सकती है अब हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ में आ जाएगा पूरी दुनिया में ना इवन जो कोविशील्ड ने जो वैक्सीन बनाई थी वो कोविशील्ड ने थोड़ी ना मतलब कोविशील्ड ने जो क्या नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ने जो तो वैक्सीन बनाई थी ना कोविशील्ड वो उनके थोड़ा द्वारा थोड़ी ना उसको बनाया गया था वो तो मैन्युफैक्चर कर रहे थे सिर्फ बनाया तो किसी और ने था किसी और कंपनी ने मतलब किसी और क्या बोले रिसर्चर ने या इंस्टीट्यूट ने पर अब वही बात हो रही थी ना पूरी दुनिया में कि पेटेंट ना दिया जाए पेटेंट ना दिया जाए या फिर पेटेंट अगर दिया जा रहा है तो उसको जनरलाइज कर दिया जाए ताकि कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है टेक्निकल हेल्प लेकर अफ्रीका में ये बात हो रही थी कि अफ्रीका में अगर दवाओं को हमको बड़े लेवल पे देना है लोगों को तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको पेटेंट का जो कॉन्सेप्ट उसको ढीला करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए लूज करना पड़ेगा बहुत बड़ी बातें हुई इस चीज पे कि कोविशील्ड को बड़े लेवल पे क्या करना चाहिए जो फाइजर है आपका जो उसका मॉडर्ना वैक्सीन है सबको क्या करना चाहिए कोवैक्सीन इसको बड़े लेवल पर क्या करिए आप मैन्युफैक्चरिंग करिए पेटेंट वगैरह मत दीजिए किसी को ही बात थी नाइनटी टू में मोस्टली कंपलसरी लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस किसी भी सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट करने के लिए कंपलसरी लाइसेंस दिया जा सकता है नाइन्टी टू ए बाद में ऐड किया गया था इसको कंपलसरी लाइसेंस अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू एनी कंट्री हैविंग इन और नो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉर द कंसर्न प्रोडक्ट टू एड्रेस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम प्रोवाइडेड कंपलसरी लाइसेंस बीन ग्रांटेड बाई सच कंट्री और सच कंट्री हैज बाई नोटिफिकेशन और अदरवाइज अलाउड अलाउड क्या इंपोर्टेशन ऑफ द पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया मान लीजिए मालदीव है अफ्रीका है मोजाम्बिक है कोई देश उसने क्या कह दिया कि इंडिया से कोई भी दवा का आप क्या कर सकते हो इंपोर्ट कर सकते हो जिस पर पे पेटेंट हो रखा है हमें कोई दिक्कत नहीं है पर वहां की सरकार ने ऑर्डर तो दे दिया तो 92 के के ए अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कह सकती है कि ठीक है सर एक्सेप्शनल की दवाएं जो पेटेंटेड है उसको वहां पर क्या कर सकते हो एक्सपोर्ट किया कर सकते हो मोजाम्बिक में मालदीव में बस सर वहां के गवर्नमेंट गवर्मेंट उसको अलाउ कर रखा है कि इंडिया से पेटेंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंपोर्ट किया जा सकता है तभी कर सकते हैं ये सारी बातें आगे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मींस एनी पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर थ्रू अ पेटेंटेड प्रोसेस ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर नीडेड टू एड्रेस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड बी इंक्लूसिव ऑफ इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर एंड डायग्नोस्टिक किट्स रिक्वायर्ड फॉर देयर यूज ये बात इसमें लिखी हुई है है इंपॉर्टेंट सेक्शन 92 ए एक होता है पैरेलल इंपोर्ट्स देखिए पैरेलल इंपोर्ट्स पर जाने से पहले मैं आपको बेयर कॉर्पोरेशन का केस बता दू क्या होता है खत्म हो गया बस दो तीन मिनट और लगेगा बेयर कॉर्पोरेशन के केस में यही हुआ था बेयर कॉर्पोरेशन एक ऐसी दवा बनाती थी इन्होंने जैसे नेग्जावर के नाम से एक दवा मार्केट में आती थी कैंसर पेशेंट्स के लिए था कुछ लंग्स अफेक्टेड डिजीज के लिए यूज होता था एक्सट्रीम लेवल पे हायर जो ऑर्डर था उसके लिए अब नाटको फार्मा लिमिटेड ने कोर्ट में कहा कि देखो भैया इनको जो पेटेंट दे रखा है ना वो उसके वजह से जो इम्पैक्ट है वो सही नहीं हो रहा तीनों बातें कही इन्होंने ना तो रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक पूरी हो रही है ना तो पेटेंटेंट इन्वेंशन की वजह से जो अवेलेबिलिटी है पब्लिक पास वो अफोर्डेबल प्राइस में वो भी नहीं हो रहा और ना तो इंडिया में इसने सही से काम करा है ये तीनों बात कोर्ट में कही गई थी और तीनों बात पे हारे थे बेयर कॉर्पोरेशन नाटको फार्मा लिमिटेड जीत जीत गई थी पर मुद्दा क्या है मैं बता रहा हूं हुआ कहता था ना कि अभी बेयर कॉरपोरेशन जो दवा बनाती थी ना ये दो ढाई लाख रुपए में आती थी एक दवा अब बताओ एक मेडिसिन दो ढाई लाख रुपए में अगर आएगी तो अवेलेबल तो नहीं हो पाएगा ना सब सब लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी इतनी तो है नहीं कि दो ढाई लाख रुपए का एक दवा खरीद ले कोई तो सेकेंड पॉइंट तो वैलिड था इसके बेसिस पे हार गए थे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट पब्लिक की वो पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि जो डिमांड है ना अच्छी खासी डिमांड है अब डिमांड के लेवल पे इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पा रही है तो वो भी रीजनेबल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही यहां भी हारे थे ये ये जो बात था ना थर्ड वाला इसमें बात हुई थी कि पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्क इन द ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अच्छे लेवल पर नहीं कर रहे हो आप तो ये नाटको वाले कहना था नाटको वाले का कि सर इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर आप नहीं कर रहे हो आप तो बेयर कॉरपोरेशन का कहना था कि सर ऐसा नहीं होता ना कि अगर हम मैनुफैक्चरिंग बड़े रूपये नहीं कर रहे हैं तो हमारे पेटेंट इन्वेंशन को जो कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दिया जाएगा तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा देखो ऐसा है इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है उसके बावजूद इंडिया के हर कोने में वो दवा अवेलेबल नहीं है रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे तो छोड़ो ढाई लाख रुपए में भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करेंगे और ज्यादा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब होंगी तो ज्यादा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी ये तीनों बातें कहते हुए बातेंस को हरा दिया गया था इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट कल के पेपर इसमें लिखना एट, सेक्शन एटी फोर जो मैंने अभी बोला है चुपचाप सेक्शन एटी फोर और जो बातें मैंने आपको बताई वो लिख देना हो जाएगा काम खत्म अब एक देख लो सेक्शन वन हंड्रेड सेवन ए क्या होता है देखो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एक्सोस्टेशन का कॉन्सेप्ट पैरल इंपोर्ट होता है कि मान लीजिए कोई कोई ऐसी दवा है दवा है कोई भी ऐसे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इन्वेंशन उसको आपको कॉपीराइट वो क्या मिला हुआ पेटेंट मिला हुआ है पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि एक बार आपको पेटेंट मिल गया है तो बार बार आपको जो उसे पैसा मिलेगा बार बार बेचो बार बार पैसा कमाओगे नहीं एक बार आपने बेच दिया ना मतलब राइट ऑफ फर्स्ट सेल जो होता है कि आपने एक बार बेचा आपको जिससे पैसा मिला ठीक है बात खत्म हो गई तो एक लिमिट होती है कि एक समय के बाद आपके पेटेंट पे जो पैसा कमाने का अधिकार होता है ना आपका वो एग्जॉस्ट कर जाता है ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एक्सोस्टेशन एक सौ तो एक सौ तो सात ए बात में अमेंड किया गया था एड किया गया था क्या कहकर सर्टन एक्ट नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इनफ्रिंजमेंट अगर आप ऐसा करते हो तो उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा जैसे क्या क्या फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट ऑफ मेकिंग कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग सेलिंग और इंपोर्टिंग अ पेटेंटेड इन्वेंशन सोनली फॉर यूजेज रीजनेबली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड सब ऑफ एंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिग इनफोर्स इन इंडिया इन कंट्री अदर देन इंडिया दैट रेगुलेट्स द मैनुफेक्चर हो तो इनमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि एक बार आपको उसका पैसा मिल चुका है नाव योर लिमिट इज वॉट एग्जॉस्टेड बार बार तो नहीं कहू कि तुमको बार बार मेरे से पैसा, पैसा दो तभी तुमको हम देंगे नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप अब मान लो एक टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है आपने एक बार मुझे पेमेंट कर दिया पांच सौ रुपए दस टेस्ट सीरीज आपको मिल गए बीपीसी का तो जरूरी नहीं है कि तुम मुझे बार बार पेमेंट करो तभी मैं तुमको हर पीडीएफ दूंगा नॉट पॉसिबल वही बात है इंपोर्टेशन ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स बाय एनी पर्सन फ्रॉम अ पर्सन हु इज ड्यूली ऑथोराइज अंडर द लॉ टू प्रोड्यूस एंड सेल और डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट सेल नॉट बी कंसिडर एज इन्फ्रेंजमेंट ऑफ पेटेंट राइट अगर आप इंपोर्ट वगैरह कर रहे हो कुछ ऐसे प्रोडक्ट का जो किसी पर्सन से या किसी ऑथोराइज पर्सन से अगर आप मांग रहे हो तो भी इंफ्रेंजमेंट नहीं होगा बसरते इंटरनेशनल एक्सोसिएशन का कॉन्सेप्ट लगता है ये बातें लिखी हुई है किस लिए मंगा रहे हो आप रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड सब इनमें कोई भी ऐसा लॉ जो रिक्वायर करता है जो मैनुफेक्चरिंग को कंस्ट्रक्शन को यूज को सेल को इंपोर्ट को क्या करता है और उसी के अंदर एक है कि आप कर सकते है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर वट सोली फॉर द पर डेवलपमेंट एंड सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर एरी लॉ ठीक है ये सेक्शन 107 सौ सात ए कहता है पैरल इंपोर्ट समानांतर इंपोर्ट कर सकते हो आप उसको आयात करवा सकते हो अपने देश में कहीं पे भी इंडिया में इंडिया के अगर आप बाहर कहीं और अदर देन इंडिया ये बात है सेक्शन हंड्रेड एक सौ सात ए में कही हुई पैरल इंपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट यही था आपका पेटेंट लाइट चाहता तो मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता था पर वो दिल्ली कंट्रोल एक्ट के चक्कर में थोड़ा समय कम मिला मुझे भी ठीक है विद दिस एंड आई आ इन द कन्वर्सेशन ऑफ आई वी आर एंड फिफ्थ सेमेस्टर है अगली बार अभी मैं कल से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें यूपीएससी के कुछ आपको लॉ ऑफर को टारगेट करते हुए कॉन्टेक्ट एक्ट आईपीसी को टारगेट करते हुए बनाऊंगा चीजों को तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा जरूर सब्सक्राइब करिए शेयर करिए प्लीज एंड अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो प्लीज मुझे भी मोनिटरी सपोर्ट आप कर सकते हैं ये नंबर है मेरा यूपीआई का और कॉर है मेरा Awesome. Thank you so very much.